वैसे वैसा हाँ तशरीफ नहीं लाई। मैं तो शरीफ के यहाँ लाती, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने आपके साथ जाना है। तो आप ये मैसेज करती, आप तो मुझे नई नई बातें कर रही हैं। नहीं सच्ची, मैं आपको भी पिक सेंड करूँ जिसमें मैं बिल्कुल रेडी हूँ? भाई मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता, मैं अगर आपकी मजबूरियां नहीं समझूंगा तो कौन समझता। आप मुझे ये बात बता दीजिए मैसेज करके। आप तो मुझे ये कह रही मैंने हैं कि आज बाहर मिल लेते हैं। व्हाई द फक यू आर सेइंग दिस ऑल टू मी, यू नो। नहीं नहीं वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, नो 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 नो, मैंने इसीलिए फिर मैंने ना मैं आप नाराज नहीं होके है। बैठ गई, मैं उनके साथ नाराज होके बैठ गई हूँ। मैं ना आपको बिल्कुल रेडी की है ना पिक सेंड करती हूँ अभी। नहीं, मैं देखो, अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो हमारा रिलेशन ही क्या है। नहीं मैं पता ट्रस्ट क्या, करता मैंने हूँ आपको रात को बताया आपको, था ना मुझे मेरे बिल्कुल हस्बैंड इस तरह के हैं, मैंने शेयर किया था ना आपसे थोड़ा सा, तो आपको पता फिर छोटी छोटी बातें और हस्बैंड कैसे ले लेते हैं सरों पे, इसीलिए फिर मैंने खुद ही कह दिया मैं जाती ही नहीं हूँ, आप चले जाए, मैं चुप करके बैठ गई। मैंने इसलिए आपको वो मैसेज किया था, मैंने कहा अगर ये साथ आते हैं तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं। नहीं, उसको साथ क्यों ले जाना भाई। नहीं मैं फिर इसीलिए मैं उनसे नाराज होके बैठ गई, मैं अभी आपको पिक भी सेंड कर देती हूँ अपनी। यार मैं कह रहा हूँ वैसे पिक वैसे सेंड कर दो, आई वुड नहीं लव लाइक टू सी योर फेस, लेकिन इस बात पे ये बताने के लिए कि ये सच है, मैं सच तुम्हारी बात पे बिलीव कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा वैसे ये तुम ना तो, आप कहें कि पता नहीं हम, मैं नहीं बिल्कुल मैं रेडी और बिल्कुल नहीं, इतनी एक्साइटेड थी आपसे मिलने मैं के बिल्कुल लिए। नहीं सुनू, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। कोई बात नहीं, कल कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, जब तुम्हें कन्वीनियंट हो ना, हाँ जी जब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और तुम जहनी तौर पर आजादी से आ सको, तब मिलेंगे, तो मजा आएगा ना। हाँ जी ठीक है, मैं आपको ना बता